हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक मान और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में भी। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो, केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हम लोग एटम का एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि आपने एटम में क्या क्या पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया, और उसके बाद जैसे मैंने आपको पढ़ाया एटम की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लाइक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो आप क्या करते हो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर यदि आप बात करते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने एटम के बारे में पढ़ा, वहां आपने कहा कि सर एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप अरेंज करते हो और एक मॉडल देते हो, जैसे जेजे थॉमसन रदरफोर्ड बोर मॉडल। फिर उसके बाद जैसे अलग अलग थ्योरीज आई, वो बाकी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अभी नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया कि एटम जो आप एटम के बारे में जो आपने आइडिया लिया था, उसके बाद उस एटम की आपने प्रॉपर्टी डील की कि एटम क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है। प्रॉपर्टी मतलब सर कि एटम का साइज क्या होगा, कितनी मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस होगी, आपने उसकी बात की। अच्छा, ये एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है सर, और इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। अब मैं कहता हूं कि सर ये एटम इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको आपने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आपने कहा कि सर सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लो एक एटम अपनी तरफ खींचता है और उस खींचने की टेंडेंसी को आपने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने चार प्रॉपर्टी पढ़ी कि एटम का साइज क्या होगा, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा, ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद आपने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे कि एक एटम है, मान लो अपने पास एक एटम है और ये अपने पास दूसरा एटम है, दो एटम है, ये एटम वन जैसे ये एटम है और एक ये एटम है, दो एटम है और दोनों एटम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन किया, जैसे मैंने कहा कि इसने ऐसे एक मॉलिक्यूल बना लिया, ये क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल। आप देखो इस दो एटम आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में इन एटम्स के बीच में क्या दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड, क्या दिख रहा है, एक बॉन्ड जो दो एटम को होल्ड कर रहा है, जो दो एटम को पकड़ के रख रहा है, वो क्या है उनके बीच का बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई टू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन ही क्यों करता है, नॉर्मल स्टेट में भी तो रह सकता है सर, क्यों हम लोग उसको कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जितने भी एटम है मोस्टली कंपाउंड फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में आपको मिलते हैं, मतलब जो एटॉमिक फॉर्म में आपको ऑब्जर्व नहीं होते। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है या फिर फिजिकल बॉन्ड है, वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन आया सर क्या, व्हाई डू एटम कंबाइंस, और एटम कंबाइन भी करता है, एक क्वेश्चन तो यह है कि एटम कंबाइन क्यों करता है, सेकेंड क्वेश्चन आया कि कंबाइन करता है तो कंबाइन करके कुछ एटम के साथ ही कंबाइन करता है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप कितने भी एलिमेंट को एटम को जोड़ते जाओ और कंपाउंड मॉलिक्यूल बना दो। जैसे मैं कहता हूं कि आपने कहा कि फास्फोरस है, फास्फोरस कंबाइन होकर P4 तक जाते हैं, ऐसा तो नहीं आपने P5 P8 ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। जैसे मैं कहता हूं कि सल्फर SAT बनाता है, वो हम लोग डील करेंगे इसी चैप्टर में भी कि कैसे वो आपस में कंबाइन कर रहा और कितने एटम कंबाइन करेंगे और कैसे कंबाइन करेंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपने माइंड में है क्या, व्हाई डू एटम कंबाइन, इसको क्लियर करते हैं, और इसको क्लियर करने के लिए एक थ्योरी दी गई, जैसे किसने, कॉजल एंड लेविस ने, किसने भी, कॉजल एंड लेविस। तो क्वेश्चन आता है कि सर कोई भी एटम कंबाइन करता है तो माइंड में सोचते हैं भी कि एटम कंबाइन करेगा तो क्यों करेगा, क्योंकि सर कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है, क्या करना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, और एटम अनस्टेबल है, मान लो सिंगल मतलब आइसोलेटेड फॉर्म में कैसा है, अनस्टेबल है, और मॉलिक्यूल फॉर्म में जैसे ही वो आता है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्या हो रहा है, स्टेबल। तो आप ऐसे भी कह सकते हो सर एटम कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, क्या गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी आएगी कैसे सर, तो ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया कि हम लोग पढ़ते हैं नोबल गैसेस के बारे में, हम लोग बात करते हैं नोबल गैसेस और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस। जैसे नोबल गैसेस क्या क्या होती है बात करते हैं, देखो जैसे अपने पास क्या है, नोबल गैसेस, थोड़ा सा समझना, नोबल गैसेस और इन्हीं को आप कहते हो क्या, इनर्ट गैसेस, और जीरो गैसेस भी यही है आपकी भी।
देखो इनेट मतलब इनको नॉबल गैस और इनेट गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर ये किसी के साथ ना तो कंबाइन करती है और ना खुद के साथ कंबाइन करती है। इसका मतलब जब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रहा तो अकेला रह के खुश है, और खुश है तो मतलब स्टेबल है सर। तो इसका मतलब नॉबल गैस और इनर्ट गैस जीरो गैसेस क्या आपकी स्टेबल गैसेस हैं। तो ये मैं यहां से कह सकता हूं ये क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। तो कोई भी एटम है, मान लो कोई भी अदर एटम आता है अदर देन नॉबल गैस, अदर देन इनर्ट गैस, अदर देन जीरो गैसेस, तो वो इनके जैसा होना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले, चाहे शेयरिंग करे, कुछ भी करे, डजंट मैटर सर, क्योंकि वो नॉबल गैसेस होना चाहेगा। क्यों होना चाहेगा, क्योंकि नॉबल गैसेस स्टेबल है। अब नॉबल गैसेस को और डिटेल में हम लोग बात करते हैं, तो क्या आया देखो समझते हैं। अपने पास नॉबल गैसेस है सर, और नॉबल गैसेस क्या क्या है, जैसे इसमें बाद में बात करेंगे, अभी एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं। जैसे सर अपने पास है हीलियम, अपने पास है क्या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये क्या अपने पास नॉबल गैसेस है। और नॉबल गैसेस जैसे इसका एटॉमिक नंबर क्या है ऑब्जर्व करते हैं देखो, और आपको कुछ ट्रेंड मिलेगा और उसी का हम लोग यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है सर 2, नियॉन का कितना होता है सर 10, इसका कितना होता है सर 18, इसका कितना होता है अभी 36, 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे अपने पास आ रहा है, मैजिक नंबर से हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। अच्छा मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं सर, क्या लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप 10th में लिखते थे 2, 8, 8 करके, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई क्या सर 2, 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर 2, 8, 8 सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, 8, 18, 8 सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी जैसे क्या 2, 8, 18, 18, 8 ऐसे अपने पास आती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 ऐसे चलता रहता है अभी 32। अभी आप देखो इनमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो एक बार काउंट कर लेते हैं अभी 10, 28, 36, 36 और 10, 36 और 10 भाई 40, 40 और 8 54 ऐसे अपने पास क्या आ गई भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अभी देखो अब मैं बात करता हूं कि जितनी भी नॉबल गैसेस आप चेक कर रहे हो, जितनी भी आपने नॉबल गैसेस ली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, और आप कहते हो कि इनके ना तो आपको कोई कंपाउंड मिल रहा है, ना ही तो किसी के साथ बाइंड करता है, ना खुद के साथ, ना किसी और एलिमेंट के साथ, ही अकेला ही फ्री, अकेला ही फ्री है, तो मतलब स्टेबल है सर। और कोई भी एटम स्टेबल होना चाहेगा तो नॉबल गैस जैसा बनना चाहेगा, नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना चाहेगा, मतलब या तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो कोई भी एलिमेंट आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, तभी वो क्या होगा स्टेबल होगा, क्योंकि नॉबल गैसेस के आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हीलियम, एंड बाकी केसेस में कितने हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एलिमेंट या एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको नाम भी दिया जाता है क्या डुप्लेट। ऐसे अपने पास हुआ है एक ऑक्टेट और एक क्या है डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब 8 सर, आउटर मोस्ट में 8 तो ऑक्टेट, आउटर मोस्ट में 2 तो मतलब सर डुप्लेट, ऐसे आपके पास आते हैं। अब देखो यहां से कॉजल और लेविस ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा है कि यार नॉबल गैसेस जब स्टेबल है और आउटर मोस्ट में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो मतलब ऑक्टेट और 2 है तो मतलब डुप्लेट, तो यहां से ऑक्टेट रूल मतलब इंट्रोड्यूस किया किसने, ऑक्टेट रूल दिया जैसे कॉजल एंड लेविस ने भाई। और कॉजल और लेविस क्या कहते हैं देखो समझते हैं, वो कहता है कि कोई भी जैसे इन्होंने किसके बेसिस पे दिया, इन्होंने दिया भी वैलेंसी के बेसिस पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बेसिस पे इन्होंने एक थ्योरी दी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, कि कोई भी एटम मतलब वैलेंसी बेसिकली क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है उसकी वैलेंसी। अभी हम लोग बात करेंगे लेविस स्ट्रक्चर से कैसे वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसी थ्योरी से उसने एक्सप्लेन किया कैसे, इसी को आप लोग कह सकते हो क्या ऑक्टेट रूल, मैं कहता हूं ये क्या दे रहे हैं ऑक्टेट रूल। कैसे सर, कोई भी एलिमेंट नॉबल गैस जैसा बनना चाहता है तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, चाहे वो क्या करे म्यूचुअल शेयरिंग करे, मतलब
म्यूचुअल शेयर करके, मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल शेयर करे, या एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, या तो 8 या फिर कितने 2, नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन को फॉलो करेगा, वही रूल क्या कहलाता है आपका ऑक्टेट रूल। समझ आ रहा है कि हम लोग एटम को कंबाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहिए। यार मैं जॉबलेस हूं तो मैं स्टेबल होना चाहूंगा, मुझे जॉब चाहिए, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा सर, नोबल गैस स्टेबल है तो नोबल गैस जैसा मरना चाहेगा, और नोबल गैस जैसा मरने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है म्यूचुअल शेयर करके। तो ऐसे आपके कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए। अब देखो यहां पे जैसे क्या आया, लेविस सिंबल्स दिए गए, क्या आते हैं लेविस सिंबल, और लेविस सिंबल में हम लोग आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग किसकी बात करते हैं, लेविस सिंबल्स या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या सर, ये जो अभी मैंने बात की कि कंबाइन करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो अभी हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे, अभी नहीं, और उसके लिए हम लोग डिटेल पढ़ेंगे भाई केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, वो डिटेल कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि एटम ऐसा कर क्यों रहा है, कंबाइन क्यों कर रहा है, वो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सर एटम कंबाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और वो कुछ भी कर सकता है स्टेबल होने के लिए। क्लियर है अभी? अभी देखो यहां पे लेविस ने क्या दिया, लेविस कुछ डॉट स्ट्रक्चर देता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वैलेंसी एक तरीके से आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ केसेस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लेविस क्या दिया गया, डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्या करता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लेविस ने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, और उसी के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं उस एलिमेंट की या उस एटम की वैलेंसी। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा कि अपने पास है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर आता है सर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैं एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करना चाहता हूं, या फिर मैं क्या करना चाहता हूं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, इसका एटॉमिक नंबर है सर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ऐसे आपके पास क्या आगे भी इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी एटॉमिक नंबर। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं क्या फाइंड आउट करने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है सर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 2-1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 2-2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई 2-3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, 2-5, 2-6 और क्या आती है अभी 2-7। तो ये क्या है इसकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ये क्या अभी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को लेविस ने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ डॉट, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। तो इसलिए हम लोग डॉट की बात करें तो यहां पे क्या लिखते हैं अभी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यदि मैं इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे करेंगे सर, देखो लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के लिए हम लोग लिखेंगे एक डॉट, और या आप इसको क्या कर सकते हो स्मॉल क्रॉस भी कर सकते हो, डॉट या फिर क्रॉस दोनों सही। उसके बाद बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डॉट आएंगे सर 2 डॉट। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 3, तो नंबर ऑफ डॉट कितने हो गए सर 3, 1, 2 और 3। कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 4, कितने डॉट सर 4, 1, 2, 3 और 4। ध्यान रखना है डॉट को आप एक साथ रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप इसको ऐसे भी ऐसे कहीं ऐसे लिखो तो ये गलत है, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको डॉट भी पता होना चाहिए कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 5, और जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतने डॉट बना दो, या आपके आगे 5 डॉट या 5 क्रॉस आप दिखा सकते हो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 6, तो हाउ मेनी डॉट्स, 6 डॉट्स सर। फ्लोरिन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है सर 7, तो कितने डॉट आएंगे भाई 7 डॉट। ये क्या आ गई लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्या आगे भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और ये आपकी काफी हेल्पफुल रहती है लेविस स्ट्रक्चर बनाने में, काफी है, मतलब आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें आपकी डॉट स्ट्रक्चर काफी हेल्पफुल रहती है। अब देखो यहां से मैं इनकी वैलेंसी निकालना चाहता हूं, क्या निकालते हैं सर वैलेंसी। देखो वैलेंसी लेविस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड आउट, कैसे उसने एक्सप्लेन की बात करते हैं कि सर यदि नंबर ऑफ डॉट्स या फिर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहता हूं, यदि आपके नंबर ऑफ डॉट्स एटम पे या फिर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स
और क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू कितने हैं सर, फोर है। क्या है लेस देन इक्वल टू फोर, समझना, नंबर ऑफ डॉट्स और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू फोर है, तो जितने डॉट्स हैं वही उसकी क्या आएगी, वैलेंसी आएगी। तो नंबर ऑफ डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी सर, नंबर ऑफ डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैलेंसी। तो व्हाट इज दी वैलेंसी ऑफ लिथियम, यहां से आप कहोगे सर लिथियम की वैलेंसी कितनी है, वन। व्हाट इज दी वैलेंसी ऑफ बेरिलियम सर, दो। बोरॉन तीन। कार्बन कितनी आएगी, फोर। क्योंकि जितना मतलब जितने डॉट लेस देन इक्वल टू फोर है तो जितने डॉट उतनी वैलेंसी सर, आपने निकाल दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं सर, मान लो नंबर ऑफ डॉट्स या फिर नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन फोर हो जाते हैं, तब क्या होगा सर, यदि आपके नंबर ऑफ डॉट्स, यहां पर मैं कहता हूं क्या, नंबर ऑफ डॉट्स और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या हो जाते हैं, फोर हो जाते हैं, उसके केस में आपको वैलेंसी निकालनी है। तो उसके केस में जो आपकी वैलेंसी आएगी वो इक्वल आएगी 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे मैं इसकी वैलेंसी निकालता हूं सर, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो इसकी वैलेंसी कितनी आई 3। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 6 डॉट है तो 8 माइनस 6 कितना आया अभी 2। इसकी वैलेंसी निकाल लो 8 माइनस 7, वैलेंसी कितनी आई 1। और वैलेंसी का मतलब क्या सर, कंबाइनिंग कैपेसिटी की, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन दो कंबाइन कर सकते हैं, तीन कंबाइन कर सकते हैं, चार, ऐसे आप लोग बात करते हो। तो देखो यहां से वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, पहले वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आपका क्या था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो इनका यूज करते हैं, जैसे आपने कहा एटम, अभी हम लोग दोबारा से आते हैं कि एटम कंबाइन क्यों कर रहे हैं सर, स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, अभी आपने बताया, तो कैसे स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं बात करेंगे। देखो समझेंगे बैलेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और टोटल चैप्टर में चलने वाला है अभी कंबाइनिंग बेसिस पे, तो आपको बैलेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। देखो मैंने कहा कि अपने पास एक एटम है सर, एक अपने पास एटम है, ये मैंने एटम लिया, और एक आपने पास दूसरा एटम है, ये दूसरा एटम लिया सर। और आपने पढ़ा कि बोर मॉडल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एटम के पास न्यूक्लियस है, ये मैंने उसका न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया, और सर न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मैंने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखे, न्यूक्लियस है सर, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपने रिप्रेजेंट किया। और अकॉर्डिंग टू बोर कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, फिक्स पाथ, फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर। तो ये मैंने इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा दिए सर, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सही। और आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल चार्ज, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो प्रोटॉन आपका होगा सर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। अब देखो एक एटम जब दूसरे एटम के पास आता है, एक एटम दूसरे एटम के क्या आता है, भी पास आता है, तो पास आएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस ऑपरेट करने स्टार्ट करते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि दोनों पास पास आना चाहते हैं सर, तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो सर न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम अट्रैक्ट ईच अदर, सेम हियर कि सर इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये आपके पास एक अट्रैक्शन फोर्स आया दो एटम के बीच में, तो यहां पे आपने इसको नाम दे दिया क्या, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम, न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, तो ये आ गया आपके पास अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आप बेसिकली ऐसे भी कर सकते हो, ये अट्रैक्शन फोर्स है। अब मैं क्या कहता हूं, ये और ज्यादा पास आ गए, क्या आगे और ज्यादा पास, कैसे सर, आपने कहा कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, में सीधा पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐसे लिख, दूसरा न्यूक्लियस है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसके बाद है आपके ऐसे सेल इलेक्ट्रॉन्स, ये सेल इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों पास पास आ गए, क्या आ गए भी, पास पास आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे। अब देखो ये दोनों जब पास पास आ गए,
देखो कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, हमको इजी होगा कि देख एक एटम दूसरे एटम दोनों पास पास आ गए सर, पास पास आने से सेम चार्जेस भी तो पास पास आ गए सर, सर सेम चार्जेस भी तो पास पास आ गए सर, तो यहां से एक अदर टाइप का अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ एक अनदर टाइप का फोर्स भी ऑपरेट हुआ कि इलेक्ट्रॉन 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 ऑफ वन एटम इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम न्यूक्लियस ऑफ वन एटम न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम एक दूसरे को क्या कर सकता है सर, रिपेल कर सकते हैं, और एक फोर्स ऑपरेट होता है उसको आप नाम कहते हो रिपल्शन फोर्स, क्या कहते हैं रिपल्शन फोर्स, क्लियर है। अब देखो मैं कहता हूं कि ये रिपल्शन फोर्स एक अट्रैक्शन फोर्स है, अब बॉन्ड कब बनेगा सर, मतलब कोई भी चीज मतलब स्टेबल फॉर्म में रहेगी कब, बॉन्ड कब बना सकती है, तो यहां से आप कह सकते हो कि बॉन्ड कब बनेगा, बात करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी आप कह सकते हो सर अट्रैक्शन फोर्स, यदि अट्रैक्शन फोर्स दो एटम का रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से क्या है ज्यादा है, तभी वो एक बॉन्ड की फॉर्म में रहेंगे। जैसे मैं कहता हूं एक हस्बैंड वाइफ है, आप ऐसे समझो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड आप दो एटम एक हस्बैंड एक वाइफ दो अलग अलग एटम है, आप ऐसे समझो वो दोनों साथ कब रह सकते हैं, जब उनके बीच में झगड़ा ज्यादा हो मतलब रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो, या दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, तो आंसर आएगा सर वो दोनों एक साथ तभी रह सकते हैं एक फैमिली की तरह जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड ही तभी बनेगा। यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं है रिपल्शन फोर्स हर रोज लड़ाई होती है झगड़े होते हैं रिपल्शन फोर्स बढ़ गया तो वो स्टेबल रहेंगे नहीं, वो क्या आपको झगड़ा होगा डाइवोर्स खत्म बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक वो अपनी जगह कुछ हुआ अपनी जगह दो आइटम जैसे थे वैसे के वैसे हो गए मतलब फ्री स्टेट में निकल गए, और जबकि मतलब कंबाइंड रहने के लिए एक साथ रहने के लिए अट्रैक्शन फोर्स मस्ट है, तो यहां से आपने कहा सर बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्शन फोर्स चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बॉन्डिंग अच्छी होगी, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या होगा दो एटम पास पास आ रहे हैं, आप ऐसे समझो दो चीजें पास पास आ गई अट्रैक्शन से, दो चीजें क्या आ गई पास पास आ गई, और पास पास आने से क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी, तो इसका मतलब जब दो चीजें आपस में कंबाइन करती हैं बेसिकली आप ऐसे कहो दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या होगा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एमिट होती है, तो उस रिलीज एनर्जी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास क्या होगी कम होगी, और एज वी नो सर स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी की, और यहां पे एनर्जी बात करते हैं आप लोग पोटेंशियल एनर्जी की भाई, तो एनर्जी इनवर्सली रिलेट करता है किसके साथ स्टेबिलिटी के साथ, एनर्जी कम हो गई तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ गई क्या, इसलिए एटम कंबाइन कर रहा है सर, इसलिए दो चीजें आपस में कंबाइन करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, क्या फॉर्मेशन कर रही है बॉन्ड, और कब उसको केमिकल कहूंगा कब फिजिकल कहूंगा अभी हम लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे अभी बात, तो आपकी बुक जैसे प्रदीप एनसीईआरटी मॉडर्न क्या लिखती है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम जो एक मॉलिक्यूल में ऑर्डर रह जाते हैं उसी को नाम दे दिया जाता है क्या केमिकल बॉन्ड। अभी आपको क्लियर होगा कि अट्रैक्शन फोर्स क्यों डोमिनेट करता है रिपल्शन फोर्स से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तभी वो बॉन्ड फॉर्म में रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे भी। अब देखो सर यदि मैं रिपल्शन फोर्स बढ़ा देता हूं क्या कर देते हैं, देखो ऐसे समझो कि सर रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, झगड़ा बहुत ज्यादा होता है हस्बैंड वाइफ में, तो रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो गया अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो क्या होगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड नहीं बन सकता है सर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो अपनी जगह कुछ वो अपनी जगह कुछ दोनों अनस्टेबल है, तो क्या होगा कि रिपल्शन फोर्स बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी क्या होगी इंक्रीजेस, और एनर्जी इंक्रीजेस तो क्या होगा स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज एनर्जी एंड स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, क्लियर भी यहां तक। अब देखो यहां पे आपने पढ़ा कि क्यों हम लोग एटम्स को कंबाइन कर रहे हैं सर, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, अल्टीमेट एम क्या है एनर्जी कम कर रहा है स्टेबिलिटी ले रहा है, कैसे कर रहा है सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं सर, हो सकता है पास पास आ गए तो रिपेल भी करेगा सर, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से बढ़ जाता है तो बॉन्ड बनाएगा नहीं तो नहीं बनाएगा ऑब्वियसली बात है, और वहां से आपने ऑक्टेट रूल के बारे में बात की, किसी इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता हूं ऑटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल गैस है और स्टेबल है और स्टेबल होना चाहता है, वही चीज वो कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके लूज करके या फिर आपका म्यूचुअल शेयरिंग करके, अभी बात करोगे। अभी देखो मैं बॉन्ड को डिवाइड कर रहा हूं, समझना लॉजिकली बेसिक पढ़ रहे हैं आप लोग, बेसिक बिल्कुल बेसिक कुछ नहीं है इसमें, तो देखो आप डिवाइड कर रहे हो किसको बॉन्ड को, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि है क्या, ये आपका फिफ्थ चैप्टर के साथ भी कनेक्ट करेगा,
तो मैंने कहा कि सर हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड, आपने कहा कि सर एक एटम है दूसरा एटम है दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को कब केमिकल कह सकते हो कब फिजिकल कह सकते हो वो बताओ सर। जैसे बॉन्ड आपके दो टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं भाई, दो टाइप। कैसे? एक आपका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन गेन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो सर, और एक इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही ना हो। दो टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं ना सर, मैं भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है सर उसको क्या नाम देंगे? सर जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कह देते हैं केमिकल बॉन्ड, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जिस भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते सर उसको हम लोग कह देते हैं फिजिकल बॉन्ड। तो बेसिकली टू टाइप के बॉन्ड्स आए सर, वन इज केमिकल बॉन्ड, अनदर वन इज फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते। अब देखो सर, किन किन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, किन किन में नहीं होते, एक साथ एक चार्ट बनाते हैं और उसको सिस्टम से समझते हैं। देखना, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो यहां से मैं कहूंगा किस इसमें इन्वॉल्व होता है सर, एक आपका इन्वॉल्व होता है आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा जिसमें आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा सर किसमें, कोवलेंट बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा सर किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ऐसे आपके पास तीन बॉन्ड आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड, अनदर वन इज कोवलेंट बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीनों बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे क्या होता है कि दो एटम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ये देगा एक ये देगा, दोनों बॉन्ड बना लेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे क्या होता है सर, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, एक एटम क्या करता है दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, और क्या बना लेता है, एक बॉन्ड जिसको कह देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या इन्वॉल्व हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन्स, इस पे फोकस करो, क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जिसमें क्या नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो उसको आपने कहा सर फिजिकल बॉन्ड। और फिजिकल बॉन्ड में हम लोग दो टाइप के बॉन्ड यहां पे डील करते हैं, कौन कौन से बताओ, दो टाइप के बॉन्ड डील करेंगे। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एक हम लोग बात करेंगे इधर किसकी भाई, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की, इसकी बात करेंगे वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की। सर एक तो हम लोग फिजिकल में बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एक बात करते हैं हम लोग वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। सर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग टाइप के आप स्टडी करोगे कि सर पॉलर पॉलर के बीच में है, पॉलर नॉन पॉलर के बीच में है, या फिर नॉन पॉलर नॉन पॉलर के बीच में है, तो हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आपके आएंगे अलग अलग किज़म फोर्सेस, क्या आएंगे यहाँ पे किज़म, आपके पास आता है डी बाई, और आपके पास आएगा क्या लंडन। ऐसे हम लोग तीन टाइप के फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ये आपकी हर टाइप का बॉन्ड आ गया यहाँ पे। वैसे तो एक और होता है आयन आयन डाइपोल, वो अभी नहीं, जिसे हम लोग बात करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है सर। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो बॉन्ड नॉन एज केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो बॉन्ड नॉन एज फिजिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है सर आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, पहले आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और क्या क्या हो सकता है, सब आयनिक बॉन्ड एक साथ कंबाइन खत्म करेंगे। फिर हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट को एक साथ फिनिश करेंगे। फिर हम लोग जो वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स है उन बाकी फिजिकल बॉन्ड्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी अलग अलग थ्योरीज आ जाएंगी, जैसे क्या वेस्पर थ्योरी है जो शेप एंड ज्योमेट्रीज के बारे में बताएगा, आपकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग फिजिकल बॉन्ड के ऊपर आएंगे। तब आप कह सकते क्या आएगा, फिजिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल फोर्सेस, ये आपका फिफ्थ चैप्टर में दे रखा है मैटर के बारे में, जो मैटर गैसी स्टेट आपका एक चैप्टर है फिफ्थ, उसमें आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट ये चीज दे रखी है वैन डर वाल फोर्सेस, वो मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपके पास ये दो टाइप के बॉन्ड है, वन इज फिजिकल अनदर वन इज केमिकल। अच्छा देखो, इन सारे बॉन्ड जैसे आपके सारे के सारे बॉन्ड एक साथ हैं, तो मैं इनकी बॉन्ड एनर्जी रिलेट कर देता हूँ।
बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि सर इन बॉन्ड, जैसे मैंने कहा कि आयनिक बॉन्ड में दो आइटम के बीच में एक आइटम लूज कर रहा है, दूसरा आइटम गेन कर रहा है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है सर, जैसे आपने अभी बताया था कि एक एटम दूसरे एटम के बीच में सर अट्रैक्शन फोर्स है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को मैं तोड़ना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं, तो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, जिसको आप लोग कह देते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एनर्जी। और यहां से आप कह सकते हो जितना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जितना ज्यादा क्या होगा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहां से आप बात कर सकते हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा बॉन्ड होगा, तो यहां से मैं कहता हूं यहां बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप कह सकते हो सर सबसे पहले आएगा आयनिक बॉन्ड, कौन आएगा आयनिक बॉन्ड। फिर हम लोग बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अप्रोक्स अप्रोक्स बराबर आते हैं सर कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर क्या आएगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद क्या आता है सर किजम फोर्स, किजम फोर्स के बाद क्या आएगा सर डीबी फोर्स, फिर क्या आएगा लंडन फोर्सेस। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, जिसका एड्रेस मतलब आयनिक आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट कोऑर्डिनेट अप्रोक्स बराबर होते हैं क्योंकि दोनों में सेम टाइप इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर किजम और फिर डीबी और फिर लंडन फोर्सेस। जैसे हम लोग इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों किसका ज्यादा है। क्लियर है भाई, यह आज का अपना बेसिक फाउंडेशन था किसका, केमिकल बॉन्ड्स ओरिएंटेड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन होते हैं। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू भाई।